अपनी गलियां की जो पुचकी है आमतौर से कितनी डरी सहमी रहती है, लेकिन लगता है कि माँ का आशीर्वाद पाकर ना इनमें एक न्यू एनर्जी आ गई है। तभी तो नंदिनी को दिया है इन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से। पुचकी यानी अस्मिता ने नकली पुचकी यानी कि नंदिनी का हाथ मरोड़ दिया, क्योंकि नंदिनी ने पुचकी को चांटा मारने की कोशिश जो की थी तो पुचकी ने तो उसका हाथ रोका और ऐसा मरोड़ा कि नंदिनी को नानी याद आ गई। क्योंकि अब ये पुचकी पहले वाली नहीं रही, अब चांटा मारने वालों को सबक सिखा सकती है और उसके साथ लड़ने वालों को टक्कर भी दे सकती है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने माता दुर्गा से प्रार्थना की है। और इसी प्रार्थना का इंस्टेंट आशीर्वाद भी मिल गया है पुचकी को, जिसने नंदिनी को डराने के लिए शक्ति दे दी। एक्चुअली बहुत मेरे हिसाब से बहुत रो लिया, बहुत कुछ सह लिया। अब कहीं ना कहीं आपने अभी जो देखा उसमें उसने खुद के लिए एक स्टैंड लिया है। फिर से उसने बताया कि मैं ही हूँ, मतलब शाम के ज़िंदगी में मैं ही हूँ, चाहे वो माने या ना माने कि मैं उसकी पुचकी उसकी याददाश्त चली गई है, पर कहीं ना कहीं वो अस्मिता से अट्रैक्टेड है और उसने ये बात कन्फेस कर ली है। मतलब हमेशा मैं उसको टॉर्चर करने की कोशिश करती हूँ, आज उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर कि जो आग रात वाले रात भी ये लोग साथ नहीं है। सो उसी कॉन्फिडेंस में उसने बोला कि देखा ये मेरा पति है, मतलब मेरा प्यार है, तो वो ऐसे इतना ईजिली तुम्हारा नहीं हो सकेगा। सो उसने भी मुझे चिढ़ाने के लिए और मुझे गुस्सा आए इसलिए उसने ऐसा किया। नंदिनी दुल्हन बनी है और बड़ी इतराते हुए आई थी पुचकी को ताना सुनाने, उसे जलाने, क्योंकि उसकी और शान की शादी जो हो गई है। मगर पुचकी ने तो ऊपर से उसे ही ऐसी सुना दी कि नंदिनी परेशान हो गई, और जितनी खुशी उसे दुल्हन बनकर दुल्हन के लिए 16 श्रृंगार करके मिली थी, उससे ज्यादा परेशानी पुचकी की बातों से मिली। शान ने उसको अपने रूम में सोने नहीं दिया, तो वो उसी फ्रस्ट्रेशन में नीचे आती है और फिर नीचे आके जैसे ही वो उसको देखती है पुचकी को, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि इसी की वजह से ये सब हो रहा है। और मतलब ये सोचती है कि अब मैं जाके इसको कुछ चिढ़ाती हूँ ताकि ये और चिढ़ जाए, तो एटलीस्ट नींद नहीं मिल रही है तो उसको चिढ़ा के एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो वही उसको जाके टीज करती है वो। लेकिन फिर वो बदले में उसको ऐसी ऐसी बातें सुना देती है, बोलती है कि शादी वाले दिन जो तुम्हारे साथ नहीं है तो वो तुम्हारे साथ आगे क्या रहेगा। अब नंदिनी और पुचकी के बीच जंग शुरू हो गई है, मगर वो शान की याददाश्त भी वापस जरूर लाएगी। इसके लिए भी पुचकी ने बहुत सारे आइडिया सोच रखे हैं, क्योंकि सीरियल में याददाश्त जाने आने का खेल बहुत पुराना है। सीरियल्स में तो याददाश्त जाना कभी भी हो जाता है और आना तो मतलब भरोसा होता है, नहीं आएगी याददाश्त नहीं आएगी उसका कुछ अता पता नहीं है, बट आई एम श्योर शान की जरूर आएगी, मैं लेकर आऊंगी। ऐसा मैंने देखा है कि एक जगह लगती है और दोबारा उसी जगह लगती है तो याददाश्त आ जाती है, तो शायद मैं शान को ऐसे पकड़ पटक दूं उसकी शायद याददाश्त आ जाएगी। वाह, पुचकी अब सच में बदल गई है और उसके तेवर देखकर लगता है कि उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। मुंबई से सुमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।